अच्छा, जो अयोध्या नगरी में जो राम मंदिर बनने जा रहा है अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, तो कार्य निरंतर चल रहा है। अखिलेश यादव बोल रहे थे अगर हमारी सरकार होती तो एक साल में बना देते, बाबा जी ने ज्यादा टाइम लगा दिया। आप अयोध्या के ही लोग है सभी, और अयोध्या नगरी में जो राम मंदिर बनने जा रहा है कितनी खुशी है वो मंदिर बनने की। और अयोध्या नाम बता के हम लोग धन्य हो जाते थे, और राम मंदिर बनने के बाद और धन्य हो जाएंगे, और धन्य हो जाएंगे बिल्कुल। पहले यहाँ पर जो मस्जिद थी, तो एक बार यहाँ का माहौल बताइए सबसे पहले तो अयोध्या का, कि किस तरह का माहौल था। यहाँ पर मस्जिद थी और उसको तुड़वा कर राम मंदिर बनाया गया। कई बार जो था मंदिर टूटा है उससे पहले 1527 से 28 के बीच में, फिर वहाँ पर मुगलों ने अपना मस्जिद को बनाया वहाँ पर। अब जाकर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में वहाँ पर दोबारा फिर से राम मंदिर बना है, तो इस बारे में मेरे को बताइए पहले कि जब मंदिर बना उस टाइम पे क्या कुछ समस्याएं सामने आई। चलिए एक बात बताइए, जो बोला जाता है कि गुंडागर्दी का माहौल था, लोग बाहर नहीं जा सकते थे, भय लगता था, रात के समय में नहीं जा सकते थे और सुबह सुबह नहीं जा सकते थे दिन निकलने से पहले, क्या यहाँ पर भी इस तरह का माहौल था अयोध्या में भी? वो मस्जिद बनवाते हैं, उसकी कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाते हैं, मंदिर नहीं बनवाते, मंदिर बनवाते हैं कागज पे। अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण सपने में आते हैं और बोलते हैं तुम्हारी सरकार बनने जा रही है। सपने देखना किसी को रोक नहीं है, लेकिन कोई सपना देखता है सपने में क्या क्या देखता है ये उसका विषय है। सपना साकार होगा या नहीं उसके कार्यों पर निर्धारित है, वो किए क्या है जो उनका सपना साकार होगा। और साइकिल, साइकिल पंचर हो गई है। पंचर कैसे हो गई है? अरे सड़क पर चल रही थी, वजन ज्यादा हो गया, पंचर हो गई। वजन ज्यादा कैसे हो गया? परिवार का लोड बढ़ गया, चाचा को उतार दिया गया इसीलिए। उनकी धरती खिसक गई है, अब वो अपनी सीट पे जहाँ से खड़े थे उन्होंने कहा था कि मैं नामांकन करूंगा, प्रचार करने नहीं आऊंगा, वहाँ की जनता मुझे चुनाएगी। वो अपने पिताजी को ले जाकर वहाँ खड़ा कर दिए, खुद वहाँ धोती खोल दिए है, उनकी जनता वहाँ दाल नहीं गल रही है, उनकी सीट खुद खतरे में है, वो दूसरे को क्या देखेंगे। वाली है भारतीय जनता पार्टी को, गुंडा राज होता था लेकिन वो तो काम गिनवाते हैं कि जैसे काम हमारी सरकार में हुए हैं भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे काम नहीं कर पाई। ये आपने सभी ने तिलक लगाया हुआ है, इन्होंने भी लगाया हुआ है, इन्होंने भी आपने भी, क्या कारण है ये तिलक? नहीं तिलक लगा, तिलक हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है। तिलक लगाने से हमको मानसिक शांति मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। इस वक्त श्री राम जी की जन्मभूमि पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। श्री राम जी के जन्मभूमि से जुड़े लोगों से बात करेंगे कि यहाँ के लोग किसे पसंद कर रहे हैं, योगी सरकार कैसी रही है, तमाम बातें हम इनसे करने वाले हैं। चलिए इनका नाम जान लेते हैं और इनसे खास बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? अनिल सिंह। अनिल सिंह, अनिल सिंह आपका नाम है। क्या लग रहा है इस अयोध्या का जो माहौल है वो कैसा माहौल है और किसकी तरफ माहौल है? पूरा राममय माहौल है यहाँ पे। जितने वोटों से माननीय विधायक जी पहले जीते थे उससे ज्यादा वोटों सबके जीतेंगे, हर जनमानस में एक ही भावना है योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। विधायक जी बोला जो आपने, वो बीजेपी के हैं या फिर सपा के हैं? नहीं, बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं अभी। जी हाँ, वो जीतेंगे अगली बार, उनकी लहर है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी भी लहर है, माननीय योगी मोदी जी की भी लहर है, जनमानस में एक उत्साह है दोबारा सरकार बनाने का, दोबारा सरकार बनाने। जी हाँ, लेकिन वो अखिलेश यादव जी भी तो हैं। सपने देखने का अधिकार सबको है, सपना कोई भी देख सकता है। वो तो बोल रहे हैं साइकिल चलेगी इस बार, बिल्कुल साइकिल चलने के लिए बनती है, चलती चलती कहाँ जाके गिरेगी ये वो नहीं जानते हैं। कहाँ गिरेगी, कहाँ पे गिरेगी तो वो खुद जानते हैं। नहीं, आप बताइए, क्योंकि उनके साइकिल पे जगह कम हो गई, पिताजी बैठे थे वो गड़बड़ हो गए, चाचा टेढ़े हो गए और साइकिल पहिया सब बाहर होने वाला है, तो साइकिल ज्यादा चल नहीं पाएगी। पिताजी भी बाहर हो गए, चाचा टेढ़े हो गए, टेढ़े हो गए। उनकी फोटो देखे कल के, टेढ़े हो गए, कुर्सी पकड़े खड़े। अच्छा, समझे, टेढ़े हो गए वो, तो साइकिल नहीं चलेगी, साइकिल नहीं चलेगी। कहाँ जाएगी फिर साइकिल? साइकिल जहाँ से आई वहीं चली जाएगी, मतलब कि वो कार्यालय ही बंद हो जाएगा उनका कुछ दिनों में, कार्यालय ही बंद हो जाएगा, सपा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सपा का अस्तित्व इसके बाद खत्म हो जाएगा। किसने बोला पाकिस्तान चली जाएगी? आप बोल रहे हैं पाकिस्तान क्यों जाएगी? पाकिस्तान का प्रेम उनको है, आप बताते हैं कि सारी आतंकवाद जिंदा प्रेमी बताते हैं, पाकिस्तान हमारा दोस्त है, चाइना हमारा दुश्मन है, वो सब भूल गए केवल एक तुष्टिकरण की वजह से। और पूरे देश में गुंडा मुक्त वातावरण है, महिलाएं आधी रात में भी घूम रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए लोग विकास पे वोट कर रहे हैं।
अखिलेश जी बोल रहे हैं पहले से ज्यादा गुंडागर्दी हो गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया पहले से ज्यादा। वो आप क्षेत्र में घुसमी है और आपको खुद जनता बताएगी, हमको थोड़ी बताना है। उनके में गुंडा राज कायम था इसलिए उनको हर जगह गुंडे दिखाई पड़ते हैं और कोई बात नहीं है। और यहाँ तो अयोध्या नगरी में 500 वर्षों के बाद राम मंदिर बन रहा है। यहाँ के पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व विजय मिलने वाली है भारतीय जनता पार्टी को। आप बोल रहे गुंडाराज होता था लेकिन वो तो काम गिनवाते हैं कि जैसे काम हमारी सरकार में हुए हैं भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे काम नहीं कर पाई। उन्होंने एक एक्सप्रेसवे बनाया था, भारतीय जनता पार्टी ने 3-4 एक्सप्रेसवे बना के तैयार कर दिए और कई पे काम चल रहा है। कई हवाई अड्डे बीजेपी की सरकार में बन चुके हैं, कितने मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था, उन्होंने तो सिर्फ अपने परिवार का विकास किया था। उनके परिवार का लोड इतना साइकिल पे पड़ गया कि साइकिल बैठ गई वहीं पे। उनका काम कार्य, उनका पूरा परिवार उसी साइकिल पे लग गया, खत्म हो गया। वो बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट योगी जी की कृपा से बन रही है, उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। यानी कि आपको लगता है कि जो अखिलेश यादव की सरकार थी उससे ज्यादा कार्य हुए बीजेपी सरकार में? वो हम आम जनमानस बता रहा है इस बात को, आम जनमानस बता रहा है। क्या बोल रहे हैं, आपको लगता है कि भाजपा में ज्यादा कार्य हुए हैं अखिलेश यादव के? भाजपा में कार्य निसंदेह रूप से बहुत ज्यादा हुए हैं। अगर गरीबों के साथ कोई खड़ा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी की सरकार है। इस कोरोना काल में जिस तरीके से उन्होंने पूरे प्रदेश की और देश की जनता की प्राणों की रक्षा किया है और जिस प्रकार से गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था उपलब्ध कराई है, कोई व्यक्ति कुपोषण से नहीं मरा है, ये अपने आप में एक अजूबा उदाहरण है। आज तक हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी सरकार कर नहीं पाई थी। ये आपने सभी ने तिलक लगाया हुआ है, इन्होंने भी लगाया हुआ है, इन्होंने भी आपने भी, क्या कारण है ये तिलक? हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है, तिलक लगाने से हमको मानसिक शांति मिलती है। और पूछिए आपको क्या लग रहा है कि कैसा माहौल है? माहौल बहुत सही है, माहौल जीते तो फिर जीतेंगे, फिर से जीतेंगे, उससे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। पब्लिक को समझ में आ गया है कि कौन काम करने वाला है, कौन नाम वाला है। जो अयोध्या नगरी में जो राम मंदिर बनने जा रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, तो कार्य निरंतर चल रहा है। अखिलेश यादव बोल रहे थे अगर हमारी सरकार होती तो एक साल में बना देते, बाबा जी ने ज्यादा टाइम लगा दिया। अखिलेश जी की साइकिल खड़ी होगी नुमाइश में, अखिलेश जी की साइकिल खड़ी होगी नुमाइश में, बाबा फिर आएंगे 22 में, कोई रोक नहीं सकता है। मंदिर बोल रहे हैं एक साल में बना देते, बाबा जी ने ज्यादा टाइम लगा। अरे वो इतने दिन थे, उनके पिताजी थे, उन लोगों ने क्या किया, क्यों नहीं मंदिर बनाए? कार से राम मंदिर पे गोली चलवाई थी, उनका मंदिर निर्माण से कोई वही नहीं था, वो कहाँ से मंदिर निर्माण करा? अगर वो आ जाएंगे उसी दिन रुकवा देंगे, वो जिस दिन आ जाएंगे उस दिन मंदिर निर्माण रुक जाएगा। वो क्या बनवा, वो मस्जिद बनवाते हैं, उसकी कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाते हैं, मंदिर नहीं बनवाते। मंदिर बनवाते हैं कागज पे, वो भौतिक रूप से नहीं बनवाते हैं, कागज पे। उनकी सारी योजनाएं केवल कागज पे थी। पूर्वांचल स्पेस बना, उत्तर प्रदेश सरकार बनवाई, योगी सरकार बनाई, वो कह रहे थे हमने बनवाया, वो कागज पे लकीरें खींच के शिलान्यास करते थे। उसका कोई उनके पास न बजट होता था, न अधिग्रहण होता था, केवल कागजों में होता था। उनके शिलान्यास कागजों में होते थे, खर्चे डकार जाते थे, पैसा डकार जाते थे। ये योगी सरकार है कि विकास का काम धरातल पर करती है और सब जगह दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार, मोदी सरकार गरीबों के लिए, जनता के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए काम कर रही है। किसानों के लिए भी काम कर रही है सरकार की योजनाएं, किसानों के लिए है। साल में 2,000 रुपए 4-6 बार पैसा मिलता है किसानों की, बीज के लिए, खाद के लिए सुविधाजनक है। कौन सा की बात तो बाद में करेंगे, अभी जो अखिलेश यादव जी है वो ये भी बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण सपने में आते हैं, बोल रहे हैं कि तुम्हारी सरकार बनने जा रही है। क्या कर रहे थे, कौन सा सवाल फिर से पूछिए? अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण सपने में आते हैं और बोलते हैं तुम्हारी सरकार बनने जा रही है। सपने देखना किसी को रोक नहीं है, लेकिन कोई सपना देखता है सपने में क्या क्या देखता है ये उसका विषय है। सपना साकार होगा या नहीं उसके कार्यों पर निर्धारित है, वो किए क्या है जो उनका सपना साकार होगा। भगवान कृष्ण उन्हीं के सपने में आते हैं, हिंदू समाज के हैं, उन्हीं को सपना आया, अब उनका सपना कहां चला गया? 3 चरणों का 4 चरणों का चुनाव हुआ है, उनकी धरती खिसक गई है। अब वो अपनी सीट पे जहां से खड़े थे, उन्होंने कहा था कि मैं नामांकन करूंगा, प्रचार करने नहीं आऊंगा, वहां की जनता मुझे चुनाएगी। वो अपने पिताजी को ले जाकर वहां खड़ा कर दिए, खुद वहां ज्योति खोल दिए हैं, उनकी जनता वहां दाल नहीं गल रही है, उनकी सीट खुद खतरे में है। वो दूसरे को क्या देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार क्या बनाएंगे? बिना दाल नहीं बोल रहे हैं क्या सरकार बनेगी?
बिना दाल गले ही बोल रहे हैं कि सरकार। अगर दाल गल रही होती तो उनके चेहरे की हवाइयां न उड़ती, अपने इतने बुजुर्ग पिताजी को ले जाके वहाँ न खड़ा करते। वो जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपने चाचा का नहीं हुआ, वो उत्तर प्रदेश की सरकार की जनता का क्या होगा? ये गुंडा रास्ता, ये माफिया रास्ता, इनसे सबसे मुक्ति मिली है। उत्तर प्रदेश की सरकार की जनता पूरे देश में, पूरे विश्व में इस सरकार की सराहना हो रही है। आज योगी जी, मोदी जी पूरे विश्व में माने जाते हैं कि एक अच्छे लीडर है, उनका वर्चस्व है। चलिए, आप अयोध्या के ही लोग हैं सभी, और अयोध्या नगरी में जो राम मंदिर बनने जा रहा है, कितनी खुशी है वो मंदिर बनने की? अयोध्या राममय है, चप्पा चप्पा राम का है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है और बढ़िया बनेगा, भगवा फिर लहराएगा, उसमें दो राय नहीं है। आपको कितनी खुशी है जी राम मंदिर बनने की? बहुत खुशी है। पिछले 500 सालों से जिसके लिए संघर्ष करते चले आ रहे हैं हम सभी, और भाजपा ने हम लोग का सपना साकार किया है, तो खुशी की तो कोई वही नहीं है। लग रहा है कि फिर से कमल खिल पाएगा? कमल खिल जाएगा, लग नहीं रहा है, खिल गया है। खिल गया एकदम 100% खिल गया है। लग कैसे रहा आपको? एकदम खिल गया है, खिल गया है। हाँ एकदम, देखिए खिलाए बैठे हैं कमल। आपको मौका बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं पश्चिम से शुरुआत हो चुकी है कमल खिलने की। कमल की आंधी उधर से आ रही है, आंधी चरण में यहाँ पहुँच जाएगी और यहाँ से तूफान हो जाएगी। आगे जाते जाते तूफान हो जाएगी, तूफान का रूप ले लेगी। अयोध्या के लोगों में इतना कॉन्फिडेंस, तूफान हो जाएगा। आप भी तो लोगों के बीच में जाती होंगी, आपको क्या महसूस हो रहा है? हम लोगों तो केवल भगवान राम नजर आ रहे हैं, मंदिर नजर आ रहा है, कमल नजर आ रहा है। आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले हम आपसे पूछने आए हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं? हम तो बता ही रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है, हम लोगों को लग रही है, आपको भी लग रही होगी। चलिए एक बात बताइए, जो बोला जाता है कि गुंडागर्दी का माहौल था, लोग बाहर नहीं जा सकते थे, भय लगता था, रात के समय में नहीं जा सकते थे और सुबह सुबह नहीं जा सकते थे दिन निकलने से पहले, क्या यहाँ पर भी इस तरह का माहौल था अयोध्या में भी? नहीं, अयोध्या में इस तरह का माहौल नहीं था, लेकिन गुंडागर्दी तो यहाँ भी थी, वसूली होती थी, व्यापारी परेशान रहते थे। जब से योगी सरकार आई है सब गुंडे गायब हो गए, कहीं ना आपको वसूली सुनाई पड़ेगी, ना किसी के ऊपर कहीं हत्या मर्डर ये सब बहुत कम हो गए। उनके सरकार में तो पूरी दबंगई ही थी, पूरी कब्जा होती थी, हर जगह होता था, यहाँ भी होता था। हाँ हाँ बिल्कुल, जमीनों पे कब्जा होता था, पूरा पूरा बालू, पूरा जमीनों पे कब्जा होता था, ठेके पट्टे सब लिए जाते थे, अवैध वसूलियाँ होती थी और 15-15, 20-20 गाड़ी के काफिले से लोग चलते थे और उनके गुर्गे जो है राइफल और बंदूक हवा में लहराते हुए चलते थे। आज योगी सरकार में किसी की हिम्मत नहीं कि 2-3 गाड़ी से ज़्यादा काफिले से चल सके, और कोई राइफल नहीं लहरा सकता है अब, ये योगी सरकार की देन है। और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसकी प्रॉपर्टी को ध्वस्त करके, बुलडोजर चला करके और सर्व समाज के बीच में उस जमीन का दे करके विकास करने का काम योगी ने किया है। चलिए और भी लोग हैं, क्या नाम है जी आपका? जितेंद्र तिवारी। जितेंद्र तिवारी, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल भाजपा के पक्ष में है। भाजपा के पक्ष में है, क्यों? भाजपा के पक्ष में क्यों लग रही है आपको? इसलिए कि हिंदू जानता है कि अगर गवर्नमेंट आएगी तो राम मंदिर का काम रुक जाएगा। अच्छा, अगर दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो राम मंदिर का काम रुक जाएगा? बिल्कुल रुक जाएगा, 100% रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। क्योंकि अखिलेश यादव बोल रहे थे कि 1 साल में बना देते मंदिर को। बोलना और करना बहुत अंतर है। हाँ, बोलने में करने में बहुत अंतर होता है। वो केवल मंदिर वही बनवा सकता है जो सनातन धर्म को मानते हैं। ये लोग तो कहते हैं कि राम है ही नहीं है, कौन कहते हैं? काल्पनिक हैं। हाँ। राम को कोई अस्तित्व नहीं है, तो जब इस तरीके की बात करेंगे तो वो कहाँ मंदिर बनवाएंगे? वो तो केवल इसलिए बोल रहे हैं कि अब उनको इलेक्शन लग रहा है और हिंदुओं को अपनी तरफ करना है, लेकिन हिंदू ये जानता है हिंदुओं को अपनी तरफ करने के लिए ऐसे बोल रही है। हाँ। आपको लगता है ऐसी? ऐसे ही लगता है। वो तो बोलते हैं कि श्री कृष्ण भी आते हैं सपने में, बहुत कुछ आते हैं उनके सपने में, उसको क्या करेंगे आप? पहले बहुत कुछ आते हैं। हाँ। उनके श्री कृष्ण आते थे 5 साल पहले, नहीं आए, अब आ रहे हैं। सिर्फ उन्होंने तुष्टिकरण की नीति अपनाई, उन्होंने सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई, हज हाउस बनवाया, यही उनका विकास था। तब उनको हिंदू कहीं नजर नहीं आए, अब चुनाव आ गया तो उनको हिंदू नजर आने लगे। कम से कम मोदी जी योगी जी की वजह से कांग्रेस सपा बसपा इन लोग को हिंदू दिखने तो लगे, वरना लोग हिंदू को वोटर समझते ही नहीं थे। इनको ये लगता था कि सिर्फ मुसलमानों से ही सारा वोट मिल जाएगा, उनसे ही पूरा हो जाएगा। सिर्फ एक समुदाय की तुष्टिकरण किया है इन लोगों ने, इन सरकारों ने।
और पूरे समाज को लेकर ये कभी नहीं चले। भारतीय जनता पार्टी सबका विकास करती है, सब उसका नारा है सबका। आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी पे भी कि बांट छाट की राजनीति करती है, हिंदुओं को देती है मुसलमानों को नहीं देती। ऐसा कुछ नहीं है, 70% फायदा तो मुसलमानों को ही है इससे। आप कहीं भी पूरे प्रदेश में जाएंगी तो अगर मकान बन रहे हैं तो 70% उनके बन रहे हैं, 30% अन्य समुदाय के बन रहे हैं। यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है? हाँ, यहाँ भी ऐसा हो रहा है, बिना भेदभाव के काम हो रहा है, सबको अनाज मिल रहा है। क्या नाम है जी आपका? अंशुमान मित्रा। अंशुमान मित्रा जी, आपको किसकी तरफ लग रहा है माहौल? बिल्कुल कमलमय हो चुका है माहौल, कमलमय हो चुका है बिल्कुल। और साइकिल? साइकिल पंचर हो गई है। पंचर कैसे हो गई है? अरे सड़क पर चल रही थी, वजन ज्यादा हो गया, पंचर हो गई। वजन ज्यादा कैसे हो गया? परिवार का लोड बढ़ गया, चाचा को उतार दिया गया इसीलिए। परिवार का लोड ज्यादा हो गया, चाचा भतीजा साथ आ गए हैं। चाचा भतीजा कल बस में देखिए, उनको कुर्सी नहीं मिली बैठने के लिए, इसी से अंदाजा लगा लीजिए चाचा कितने साथ में है। केवल पिताजी बैठे, अपना बैठे। भीड़ ज्यादा हो गई होगी ना, इसलिए कुर्सी नहीं मिली। भीड़ से नहीं मतलब है, भीड़ से नहीं मतलब है, चाचा है उनका, उनका संस्कार था, उनका संस्कार था कि उनको चाचा को बैठाना चाहिए था, खुद क्यों बैठ गए? खुद बैठ गए, चाचा जी को कुर्सी नहीं मिली। नहीं मिली कुर्सी, खड़े हुए थे बेचारे। आइडिया लगा लिया कि चाचा जी को साइड कर। हाँ, चाचा जी साइड हो गए। बहू चली गई उनकी, बहू चली गई, बीजेपी में आ गई जी। तो वो तो है ना, और तो है पूरा परिवार साथ में भाई। जब परिवार, देखिए कोई भी पार्टी है, जब ये उंगली है, अब ये पांचों एक रहेगी तब आप एक एक इकट्ठा कार्य कर पाएंगे ना। चाचा अलग हो गए, चाचा कुर्सी नहीं मिल रही है। अब आप समझिए, जिस घर परिवार में अपनी खुद की बहन बेटियों बहुओं की इज्जत नहीं हुई, बहू चली गई दूसरी अन्य पार्टी में, तो वो जनता का क्या साथ देगी? जब आप अपने घर के संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो आप जनता को कहाँ संतुष्ट कर पाएंगे? आपके घर के लोग नहीं संतुष्ट हैं, चाचा मुंह बनाए ऐसे बैठे हैं। हाँ, बताइए, भतीजा बैठा है, पहले संस्कार ये होता है कि अपने से बड़ों को कुर्सी दी जाए। आप बैठे हो, चाचा आपके खड़े हैं, तो जब आप अपने घर के नहीं होते तो उत्तर प्रदेश के जनता के क्या होंगे? बताइए, अयोध्या में जो राम मंदिर बनने जा रहा है, आपसे पूछ रही हूँ, अयोध्या में जो राम मंदिर बनने जा रहा है, कितनी खुशी है आप लोगों? हम लोग धन्य हो गए अयोध्या का राम मंदिर बनना शुरू होते ही। हमें फख्र है कि हम अयोध्या के निवासी हैं, और हमको जिंदगी भर का सुख मिल गया राम मंदिर, जिस नाम से हम जाने जाते थे। कहीं भी देश में जाए, अयोध्या नाम बता के हम लोग धन्य हो जाते थे। अच्छा। और राम मंदिर बनने के बाद और धन्य हो जाएंगे, और धन्य हो जाएंगे बिल्कुल। पहले यहाँ पर जो मस्जिद थी, तो एक बार यहाँ का माहौल बताइए सबसे पहले तो, अयोध्या का, कि किस तरह का माहौल था यहाँ पर? मस्जिद थी और उसको तोड़वा कर राम मंदिर बनाया गया। कई बार जो था मंदिर टूटा है उससे पहले, 1527 से 28 के बीच में फिर वहाँ पर मुगलों ने अपना मस्जिद को बनाया वहाँ पर। अब जाकर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में वहाँ पर दोबारा फिर से राम मंदिर बना है, तो इस बारे में मेरे को बताइए पहले कि जब मंदिर बना उस टाइम पे क्या कुछ समस्याएं सामने आई? बहुत भय का माहौल रहता था अयोध्या में, इसी वजह से कोई शॉपिंग मॉल और कोई वो चीज़ें नहीं आती थी कि कब कर्फ्यू लग जाए। इस वजह से अयोध्या और फैजाबाद का विकास रुक गया था एकदम। इन्होंने आया, अयोध्या नाम किया पूरे जिले को और भगवामय कर दिया बिल्कुल। ना कोई दंगा, ना कोई फसाद, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। लड़ाई भी हुई जब मंदिर बनने लगा? लड़ाई मंदिर बनते समय नहीं हुआ, नहीं हुआ बिल्कुल, नहीं हुआ, आराम से बना है, बिल्कुल आराम से बन रहा है। हाँ जी, आपको क्या लग रहा है जी, कैसा माहौल है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा। किसका माहौल लग रहा है? जनता जनार्दन सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी के में जी। आप भी जी, आप सभी भारतीय जनता पार्टी जी, के जी, में जी, जी, जी। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी दिख रही है साइकिल को। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी सरकार, वहाँ की सरकार, दोनों सरकारें हमारे, जितना भी दिशा निर्देश, जितना भी जनता के प्रति लागू होता है या 100% पूरे दिया जाता है जनता जनार्दन को। हमारे किसान लाभ में है, हमारे पूरा परिवार लाभ में है, सब जनता जनार्दन हमारे खुशी में है। भगवान राम का मंदिर बना है, न्यायालय के आदेश से बना है। और विद क्वेश्चंस, आप बोले किसान खुश है। एक समस्या है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जब हम थे हमें समस्या सुनने को मिलती थी, गन्ने की पेमेंट टाइम से नहीं हो पाती। क्या यहाँ पर भी ये समस्या नहीं है? गन्ने की कोई समस्या नहीं है, गन्ने का पेमेंट बराबर हो रहा है,
बराबर पेमेंट हो रहा है, यहाँ किसी बात समस्या नहीं है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। यहाँ जो भी सरकार का दिशा निर्देश होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार, यूपी गवर्नमेंट का, वो पूरे पूरा जो है उसका कानून लागू कराया जाता है। हमारे वेद प्रकाश गुप्ता जी रात दिन अनवरत, हमारे महामंत्री, हमारे जिला अध्यक्ष श्री अभिषेक मिश्रा जी अनवरत हमारे जो है बराबर जो है जिले में भ्रमण करके जो है यथाशीघ्र कानून लागू कराया करते हैं। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये देखिए अयोध्या नगरी की पहली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहेगा हिंदुस्तान 9 के साथ। मैं हूँ साक्षी, धन्यवाद।